अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ सिंपल शर्ट की कटिंग शेयर करेंगे जो कि ये बाज़ार में आम शर्ट मिलती है। शोल्डर लाइन इसकी 15 इंच, आर्म होल इसका हमने 8 इंच रखा है और बस्ट लाइन हमारी जो है वो 21, कमर की हमारी 18 इंच है, लेंथ हमारी 40 है। अब ये सारी मार्किंग करके आपके सामने स्ट्रेट शर्ट है ये व्यूअर्स। इसकी कटिंग बहुत आसान होती है, ये जो बाजार से 3 पीस सूट मिलता है, हम इधर से कमर की कटिंग नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। सिर्फ सिलाई में हम इसकी मार्किंग करके फिटिंग की हम सिलाई करेंगे ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो खोलने की तो वो यहाँ से अंदर कपड़ा लाजमी हो ताकि आराम से खोली जा सके। ये फ्री हैंड भी हम आपको बता रहे हैं कि फ्री हैंड भी कैसे नाप लिया जा सकता है बालिश के हिसाब से। व्यूअर्स ये फिटिंग की हम सिर्फ मार्किंग करेंगे। ये हमारी हिप लाइन 23, स्लीव्स बाजू, ये हमारी कटिंग मुकम्मल। अब हम स्लीव्स की करते हैं। व्यूअर्स जिसके स्लीव्स ऐसे हों जिस पे ये ऐसा मोटिव बना हो उसको हमेशा अलग अलग आप पहले कटिंग कर ले, फिर उसका दरमियान करके रख के फिर आप हमेशा स्लीव्स की कटिंग किया करें, वरना ये बाजार के ऐसे सूट हैं कोई मोटिव कहीं आ जाता है, बाज़ दफ़ा कोई कहीं आ जाता है, आगे पीछे फ़र्क पड़ जाता है। स्लीव्स की लेंथ हमारी 20 हमने रेडी रखने, टेन इंच का हम इसका आर्म होल का राउंड जो है शोल्डर का ये 10 इंच का रखेंगे हम।
थोड़ा सा हमें कपड़ा ऐड करना पड़ेगा, हमारी शोल्डर की जो है वो चौड़ाई पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से हमें इसमें जितना हमारा पीस उसमें डलना है वो हमने साथ ही उसके कटिंग कर लिए। कुछ सिलाई में आ जाएगा तो ये ज़्यादा नहीं होगा। ये 3 पीस सूट में आप जानते हैं कि गले का भी नेक लाइन की भी बना होता है, तो उसको वो बिल्कुल जैसा बना होता है वैसे ही बनाना पड़ता है इसके, इसलिए इसके सिंपल सा सादा सा गला होगा। तो व्यूअर्स सिस्टर्स, आज की मेरी ये कटिंग मुकम्मल। आपके लिए ढेरों दुआएं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।